जो स्टूडेंट्स ऑफ जेके एस एस बी फाइनेंस अकाउंटिंग असिस्टेंट जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए आज के इस लेक्चर में सम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं ऑफ दिस सेम चैप्टर सेट्स एंड देयर एप्लीकेशन। वी विल डिस्कस टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर व्हिच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड इन दो ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव जेके एस एस बी के बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाउ वी डिस्कस ऑब्जेक्टिव हियर, दैट इज ऑब्जेक्टिव 12 जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एमपीटी सेट्स, नीचे हमारे पास गिवन सेट्स है उनमें से कौन से एमपीटी सेट्स है, चाहे एक है या दो है या सारे हैं, वो हमें चेक करना है और हमें करेक्ट ऑप्शन डाल देना। नाउ वी सी द ऑप्शंस हियर, दिस सेट ए इज इक्वल टू जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का जो फर्स्ट ऑप्शन है A set that is x size that x is less than 7। Here हम यहाँ पे एक number line बना लेंगे, यहाँ पे मान लो यहाँ 0 है, आप यहाँ पे first condition है x is less than 7, 7 कहीं पे होगा मान लो यहाँ पे 7, and 9 x is greater than 9, 9 भी यहाँ पे कहीं होगा मान लो यहाँ पे। अब इस set A में natural numbers हैं, लेकिन x less than 7 कंडीशन वो इस 7 से छोटे या इस तरफ के होने चाहिए, और साथ में साथ ही साथ वो x is greater than 9 और उसका वैल्यू greater than 9, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेचुरल नंबर होना चाहिए 7 से छोटा होना चाहिए, साथ ही साथ वो 9 से बड़ा होना चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल, तब जाके कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं होगा। मीन्स ए सेट जो है इज नाउ सेट, that is first option is correct option। अब अगर यही option correct option है बाकी सही नहीं है तब जाके it is the correct option of the given objective। now second is the set of odd integers which are divisible by 2। odd integers is simply plus minus 1 plus minus 3 plus minus 5 and so on। clearly जो भी odd number होगा चाहे इंटीजियर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2, उनको 2 से डिवाइड नहीं होता है, तब जाके इस वाले सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। मीन्स ये जो बी ऑप्शन है इट इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, इट इज आल्सो एमपीटी सेट। नाउ थर्ड इज सी पार्ट जो है, सेट बी इज इक्वल टू एक्स, उसमें है साइज है कंडीशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 एंड एक्स इज रैशनल नंबर। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 है तब जाके एक्स हमारे पास होगा प्लस माइनस अंडर रूट 7, ये हमारे पास इसके दो रूट होंगे, एक तो प्लस रूट 7 होगा दूसरा माइनस रूट 7 होगा, बट दीज आर रियल नंबर्स। लेकिन यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव में जो है एक्स इज ए रैशनल नंबर, उसमें रैशनल नंबर्स हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, मीन्स इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर सी पार्ट जो है इट इज आल्सो एमपीटी सेट। मीन्स फर्स्ट पार्ट इज एमपीटी सेट, सेकंड पार्ट इज एमपीटी सेट, थर्ड पार्ट इज एमपीटी सेट। वी हैव टू हियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एमपीटी सेट्स, इनमें से कौन कौन से एमपीटी सेट्स हैं, तब जाके इस ऑब्जेक्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी पार्ट ऑल ऑफ दिस। Now next 13 objective जो हमने यहाँ पे लिया, it is the most important and बहुत सारे JKSSB के exams में पूछा जा चुका है। If we have a set A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक set given, ये अब necessary नहीं है कि यही set होगा, लेकिन जिस तरह हम इस set इस objective को कर लेंगे इसी तरह कोई सा भी objective इस तरीके का पूछा जाए, आप जिस तरह हम इसका सोल्यूशन देंगे उसी तरह वहां पे भी आप इसका सोल्यूशन दे सकते। लेकिन इस तरीके के ऑब्जेक्टिव अक्सर जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एंड ए गिवन सेट है बी इज विच कंटिन्यूस 2 4 6 देन ए माइनस बी इज, ये अक्सर पूछे जाते हैं डिफरेंस ऑफ दीज टू सेट्स। उसके लिए हमें डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इस डेफिनेशन के लिए इसी चैनल पे एक
वीडियो अपलोडेड है वहां पे हमने फुली डिस्कस किया है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, वहां पे आप उसको देख सकते हो और यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब यहां पे आप इसका आंसर देंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी, ए माइनस बी जो है दैट इज अ सेट, इस सेट में एलिमेंट होंगे ए के विचार नॉट इन बी, रिमेंबर दिस, बी के एलिमेंट्स जो है अगर वो इसमें होंगे वो निकाल दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी, बी का टू है, अगर यहाँ पे है वो हमें कार्ड डालना है, उसको छोड़ना है। यहाँ पे फोर है, अगर इसमें होगा कार्ड डालना है, यहाँ पे फोर है इसको भी छोड़ना है। अब सिक्स है, यहाँ पे भी सिक्स है, ये छोड़ देना है। बाकी जो सेट है वन थ्री फाइव सेवन एट नाइन, इट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू सेट, दैट इज ए माइनस बी कंटेन्स वन थ्री फाइव सेवन एट नाइन, ये इसके इस डिफरेंस सेट में होगा। और अब इन ऑप्शंस में आपको चेक करना है कौन सा सेट इसके बराबर है। अगर इस फर्स्ट वाले में देख लेंगे वन थ्री फाइव सेवन एट नाइन यहां तक, लेकिन यहां पे सिक्स, दैट इज, इट इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। थ्री फाइव सेवन एट नाइन, लेकिन वन नहीं है, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। वन टू थ्री, यहां पे टू है, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्लियर नहीं, डी पार्ट जो है वन थ्री फाइव सेवन एट नाइन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का ऑब्जेक्ट जो अक्सर पूछा जाता है, इससे पहले कि इस वीडियो को इख्तिताम पजीर कर ले, डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंटिंग सिस्टम फ्रॉम द सेम चैप्टर, सेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।